हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो निकल कर अभी अभी जस्ट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र और मुंबई से 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इन शहरों में लगेगा लॉकडाउन। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कौन कौन से वो शहर है और साथ ही आपको बताएंगे कि लॉकडाउन का सीधा असर आपकी लोकल ट्रेन पर भी पड़ने वाला है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा अंत तक। वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को अपना प्यार यानी लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला बटन दबा के योर स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की। नागपुर में लॉकडाउन को 15 मार्च से 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 15 मार्च से लॉकडाउन आपका स्टार्ट होगा। दो दिन पहले ही आपको नोटिस मिल चुके हैं और ये लॉकडाउन जो है आपको 31 मार्च तक रहेगा। साथ ही मुंबई में थाने इलाके में, थाने जो जिले हैं वहां पर 13 जगहों पे लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और साथ ही ये लॉकडाउन अब 31 मार्च तक चलेगा। मुंबई में बोरीवली से लेकर विलेपार्ले तक के लिए नोटिस दे दी गई है कि यहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इन तमाम इलाकों में जो जो हॉटस्पॉट जगह है, यानी पूरा नहीं, अभी फिलहाल जो हॉटस्पॉट जगह है उन्हीं जगहों पे लॉकडाउन को लगाया जाएगा और ये लॉकडाउन आपको 31 मार्च तक रहेगा। साथ ही दोस्तों, महाराष्ट्र के सभी जितने भी जिले, उन तमाम जिलों में 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए स्कूल कॉलेजेस को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, ताकि आने वाले समय में जब तक वैक्सीन का काम पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक स्कूल कॉलेजेस और शादी के फंक्शनों पर बीएमसी ने सख्त रुख अपनाया है कि तमाम ऐसे समारोह जहां पे गैदरिंग ज्यादा होती है उन तमाम जगहों पर नोटिस दी जा रही है कि कम से कम भीड़ इकट्ठा हो सके और साथ ही सभी लोग नियमों का पालन करें। अगर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं नजर आता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उस संस्था के खिलाफ भी जो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। यानी कि आपको किसी भी समारोह में अगर जाते हैं तो आप इस बात पे सावधानी जरूर बरतिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।